गाइस, सो वेलकम टू चैनल अगेन। मेरा नाम वीडियो में स्वागत है आपका और मैं आज लेकर आ गया हूँ आपको चांदनी चौक पे ओमेक्स मॉल के पास। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू ब्लॉग और आज का ब्लॉग होने वाला है ओमेक्स मॉल पे। दो से तीन महीने हो चुके हैं इस मॉल को खुले हुए, तो उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस। ऑल्सो आई होप कि कुछ मैं आपको नया दिखा पाऊँगा, क्योंकि जो दो से तीन महीने पहले जो पुराना वीडियो जो भी बनाया गया होगा उसमें शायद वो अपडेट नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं आपको और उसमें दिखा देंगे क्या क्या है। तो उसको दिखाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप ओमेक्स मॉल आना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये कोड़िया पुल की तरफ जा रहा है। तो अगर आप कोड़िया पुल से आते हैं तो आपको जो ओमेक्स मॉल है वो यहाँ सामने की तरफ मिलेगा, और अगर आप चांदनी चौक की तरफ से रेड कोर्ट और चांदनी चौक की तरफ से आ रहे हैं तो वो यहाँ से होता हुआ जो है उधर से होता हुआ आपको जो गुरुद्वारा शीशगंज से और यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका राइट साइड में पड़ेगा। ओके गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि सामने जो है इसकी पार्किंग है जिसका कि रास्ता उस साइड से जा रहा है, और ये एमसीडी की पार्किंग है और फूड कोर्ट भी वहीं पे ही है। तो आप जब आप कुछ खाएंगे तो फूड कोर्ट के लिए आपको उस साइड में जाना होगा, वो अंदर से होते हुए रास्ता है। बाकी इसका जो एक्सटीरियर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ओमेक्स जो मॉल है इसकी जो थीम है गाइस ये जो थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में बना रखी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ओल्ड स्टाइल जो है डिज़ाइनिंग कर रखी है। ये देखिए, जैसे सीपी में आपको करार प्रेस में आपको देखने को मिलेगा, सेम उसी तरह से यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग की हुई है। तो गाइस अंदर चलते मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसमेंट पार्किंग का रास्ता, आई होप कि उधर से जो है बेसमेंट की पार्किंग है वहाँ पर है। बाकी ये नीचे जाने का भी रास्ता है। ओके, ये है रास्ता गाइस, यहाँ पे जो है एक्सेलेटर जा रहा है नीचे पार्किंग के लिए दोनों साइड में। ओके गाइस, तो अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ऑलराइट गाइस, तो मैं अंदर आ गया हूँ, अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये आई थिंक कि जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का सारा आउटलेट है ना, ये मे बी सारा जो है आपका ज्वेलरी से रिलेटेड है, क्योंकि इधर आपको तनिष्क और कल्याण के शोरूम मिलेंगे। सामने भी एक मैं देख पा रहा हूँ कॉस्की का शोरूम है, वो वहाँ सामने है। इसके अलावा पहले मैं आपको यहाँ से नीचे दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। देखिए गाइस, यहाँ पर फुल रेंज बनी हुई है, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स हैं और ये सारा जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी और लेडीज से रिलेटेड जो भी सामान है उन सबका है यहाँ पे, जो कि आई थिंक आपको बाहर भी मिल जाता होगा, बट मे बी क्योंकि मॉल है तो मॉल के हिसाब से यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे, देखिए अभी ज़्यादातर आउटलेट पे ओपनिंग सून लिखा हुआ है और सारी ब्रांड्स है यहाँ पे। ये देखिए तनेरिया, ये देखिए यहाँ पर एक फीचर यहाँ पे है रामचंद्र कृष्णचंद गली पराठे वाले, आई थिंक आपको लेकर चलता मैं ऊपर। देखिए गाइस, आपको जो मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसका जो इंटीरियर है ना काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और काफ़ी इसको जो है विंटेज लुक देने की कोशिश की गई है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल विंटेज स्टाइल में जो है यहाँ पे एक बना हुआ है, एक तरह का पुराने स्टाइल का झरोका बोल लीजिए। काफ़ी इसको जो लुक दी हुई है लगभग जैसे कि ग्रेनाइट होता है उसके लुक दे रखी है। ये देखिए गाइस, एस्केलेटर के जस्ट ऊपर बेहतरीन जो है डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए और भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, और एज यूजुअल गाइस ज़्यादा के जैसे कि ज़्यादातर मॉल्स में होता है यहाँ पर भी यही है, थर्ड फ्लोर पे जो है
सारी जो है कैफेटेरिया और जो भी सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए हल्दीराम, यहाँ पे देखिए मेन मेन जितने भी आउटलेट्स होते हैं, जो भी फूड के स्टॉल्स हैं, डोमिनोज देखे करके दिखा रहा हूँ आपको, डोमिनोज, वाव चाइना, वाव मोमो, सागर, सब कुछ है यहाँ पे, जैसे दिखाता हूँ। बहुत सारा काम अभी गाइस यहाँ पे होने वाला है, अभी बाकी है। ये भी कैफेटेरिया है, अभी उधर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और दिल्ली छः की पूरी लुक जो है यहाँ पे दे रखी है, काफ़ी शानदार। और देखिए गाइस जो सीलिंग है इसकी, इसका कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है आप देखिए, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है बिल्कुल, जैसे कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। और आउटलेट्स है यहाँ पे देखिए, एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको, नज़ीर फूड्स, पिज़्ज़ा हट, वैंगो और भी काफ़ी सारे। ये देखिए खाने पीने की तो कमी नहीं होने वाली यहाँ पर, काफ़ी सारे जो है यहाँ पे आउटलेट्स भरे हुए हैं। और आगे चल के दिखाता हूँ आपको, होम्स किचन, जीरो डिग्री, बर्गर किंग, लगभग सारे फेमस जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, पॉपर्स, सारी चेक। और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइस देखिए ऊपर जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो शैंडलियर्स है ये बिल्कुल पुराने ज़माने के स्टाइल के हिसाब से बनाए हुए हैं, ये देखिए, जो कि काफ़ी अच्छी लुक है। और ग्रीन कलर में दिया हुआ है, ये जो पिलर्स बने हुए हैं इनके ऊपर जो है विंटेज स्टाइल के, आप देख सकते हैं विंटेज स्टाइल में जो है लैम्प यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं इसकी। ये देखिए कितना बेहतरीन अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में जो है किसी फोर्ट की तरह जो है डिज़ाइन किया हुआ है एक्सेलेटर को, ये देखिए। ओके गाइस इधर भी एक सेक्शन है जो पूरा काफ़ी बड़ा कैफेटेरिया बना हुआ है, क्या देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली वाइब्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी सारे फेमस जो है आउटलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे स्वदेशी, चाट टाउन, अमृतसर एक्सपेंस, हीरा स्वीट्स, ये देखिए कुल्फी। देखिए गाइस जो सीटिंग का जो स्टाइल है ना वो भी काफ़ी विंटेज स्टाइल में यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए ये जो है सारी चेयर्स वगैरह। और ये देखिए कितना बढ़िया जो है पुराने ओल्ड स्टाइल में ये स्टेयरकेस बना हुआ है, और आई थिंक ये कोई रेस्टा है जो पता नहीं अभी ओपन नहीं हुआ है, झूमर के नाम से, देखिए ओपनिंग सून लिखा हुआ है इसके ऊपर। और इस तरह का जो है सीन बनाया हुआ है जैसे कि आप किसी राजस्थानी स्टाइल में कहीं पे आप विजिट करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही। फिर चलते हैं उस साइड में, ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट बहुत काफ़ी अच्छा है, अभी ये न्यू खुला है तो आई थिंक कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है फ्रेश है, स्टॉल्स जो है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आप एक और चीज़ दिखा दो आपको, शैंडलियर कितना बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा शैंडलियर रहेगा इससे देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए गाइस बिल्कुल पुराने स्टाइल में जो खिड़की दरवाजे हुआ करते थे उसको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक और बड़ा शैंडलियर ऊपर देखिए, ये देखिए गाइस सारे जो है आउटलेट्स यहाँ पे है। आई थिंक खाने पीने के लिए तो गाइस आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली यहाँ पर, ज़्यादातर जितने भी फेमस रेस्टोरेंट है वो सब यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो और टाइमिंग की बात बताता हूँ, टाइमिंग जो है आपकी सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक है अभी फ़िलहाल। सामने आया चाइनीज़ वॉक, और थोड़ा और इंटीरियर दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको देखेंगे इस वाली रो पे जो है रेड कलर की जो है लाइटनिंग दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखिए
ये भी एक जगह है, ये दावतपुर करके आई थिंक सिटी ऑफ फूड, वो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सिटिंग अरेंजमेंट कैसे बना हुआ है, ओल्ड स्टाइल में जो है यहाँ पे बेंचेस लगा रखी हैं, ये भी अभी ओपन नहीं हुआ है, तो काफ़ी कुछ अपडेट होना है अभी इस मॉल में। तो सेम ये जो है वही दावतपुर सिटी जो है आई थिंक ये भी ऊपर अभी बनेगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे। और देखिए काफ़ी अच्छे स्टाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि किसी रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग दावतपुर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब कुछ है यहाँ, दिल्ली के दरवाजे यहाँ आकर खुलते हैं, समथिंग मैं ऐसे ही थीम बनाई हुई कुछ तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। ये बीच बीच में जो फाउंटेन्स लगा रखे गए ये थोड़ा सा और डेकोरेशन के लिए, आई थिंक इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बिहार की फेमस झाल मोरी समथिंग ये है यहाँ पे, तो ये ओल्ड स्टाइल में जो है साइकिल में जो रिक्शा होता है साइकिल टाइम में जो लोग बेचते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे करके। तो गाइस ये भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि हर जगह पे ब्लॉगिंग करना आसान नहीं होता, कोई ना कोई आपको टोक सकता है, ये चीज़ है। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि अभी इस मॉल में काफ़ी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत सारे एडिशंस जो है अभी होनी है यहाँ पे, ज़्यादातर आउटलेट्स पे जो है कलिंग सोनी लिखा हुआ है मैक्सिमम जो है। तो गाइस आई थिंक ये था छोटा सा ब्लॉग इस मॉल का। तो गाइस एक परेशानी तो यहाँ पर ये आपको मिलेगी जब आप आएंगे, आपको अक्सर मॉल्स में जो है अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाने का, खासतौर पर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लग्जरी आइटम्स वगैरह सब कुछ होती है इस वजह से। तो चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और अगर आप मेट्रो वगैरह से कहीं से आते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सामने जो है ये वाला जो हिस्सा पूरा का पूरा इस पूरे हिस्से में यहाँ से आता है, ये सब जो है रिक्शे वाले खड़े होते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ से एग्जिट करने के लिए जो है अलग अलग व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट के लिए मिल जाएंगे। ओके गाइस तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, मैंने कोशिश की थी आपको सारा कुछ दिखाने की। अब बता देता हूँ कि फ़िलहाल जो है मॉल में अभी बहुत सारे जो है ओपनिंग स्कूल के आउटलेट्स बने हुए हैं, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा सारी चीज़ को ओपन होने में, लेकिन और फूड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी रेडी गुड, तो चलते हैं।